है पारुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कुकर्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ केले के बहुत ही यूनिक कटलेट्स। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में उतने ही टेस्टी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो। तो हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, तो जाकर पेज को फॉलो कीजिए। केले के कटलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 कच्चे केले। अब हम इनका अपर और लोअर पार्ट कट कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, आप भी अपने सारे केलों का लोअर और अपर पार्ट कट कर लीजिए। ये देखिए अब हम इन्हें कुकर में बॉईल करने वाले हैं, तो अपने सारे केलों को कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो किसी पैन में या बड़े भगोने में भी इनको बॉईल कर सकते हैं, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इन्हें कुकर में बॉईल करने वाले हैं। 1 कप पानी डाला है हमने, ज़्यादा पानी की नीड नहीं है, 1 सीटी में ही हमारे केले बॉईल हो जाएंगे। ये देखिए हमने गैस पर रख दिए हैं। ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है। अब हम खोल के देख लेते हैं अपने कुकर को। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इनका छिलका अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे उबले हुए हैं, बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, तो आसानी से इनका छिलका उतर जाएगा। ये देखिए आप इसी तरीके से सारे केलों को छील लीजिए। ये देखिए हमने सारे केले छील लिए। अब हम लेंगे बॉयल पोटैटोज। हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, 4 बनाना हमने लिए हैं जो हमने अभी छीले थे, 1 बारीक कटी प्याज, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अब हम क्या करेंगे, आलू को मैश कर लेंगे। आप मैशर या चम्मच की हेल्प से मैश कर लीजिए आलूओं को, और इनके साथ ही अब हम केलों को डालकर भी मैश कर लेंगे। टेस्ट के लिए हम सिर्फ यहाँ पर नमक और काले मिर्च का यूज़ करेंगे। हम काले मिर्च का पाउडर यहाँ पर डालने वाले हैं। ये देखिए अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप ना डालें, ये बिना प्याज के भी काफ़ी टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिए हरी मिर्च, और टेस्ट के लिए मैंने बताया हम काले मिर्च का पाउडर और नमक यूज़ करने वाले हैं, और हम इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने ये देखिए काले मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ डालकर हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे हाथ पर थोड़ा सा ऑयल क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। अब हम इनकी कटलेट्स बना लेंगे। आप थोड़ा सा टिक्की का शेप इन्हें दे दीजिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। ये देखिए हम इसी तरीके से अपने सारे कटलेट्स को बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना है। ये देखिए हमने अपने कटलेट्स बना लिए हैं। अब इन्हें पकाते हैं, तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर कम ऑयली बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पर शैलो फ्राई ही करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने, अब उसमें अपने कटलेट्स डाल दिए हैं और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। फ्लेम हमने अपनी मीडियम कर रखी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक जाएंगे अंदर से भी, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए एक साइड से हमारे पक चुके हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए वाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। ये एक साइड से काफ़ी अच्छे पक चुके हैं, अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी ऐसा ही पकाएंगे, इतना ही गोल्डन हमने इन्हें करना है। ये देखिए, ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे पक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये वाकई बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कच्चे केलों का और आलू का मिक्स। वाओ, आपके कटलेट्स बनकर तैयार हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा।